नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और खबरों में सबसे पहले बात मोदी सरकार की। जी हां, जिस तरह से मोदी की लहर ने देश में बदलाव की लहर पैदा की है, इसको देखकर तो ये जरूर लगने लगा है कि अब देश के दिन बहुरेंगे, साथ ही बदलेगा झारखंड का दिन भी। जी हां, 2014 के मतगणना के मद्देनजर शहर के कई जगहों पर भाजपाइयों ने जश्न मनाया। जमशेदपुर लोकसभा सीट में प्रथम चरण से ही भाजपा बढ़त बनाई हुई थी, जिससे उत्साहित नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ ही होली एवं दिवाली एक साथ देखने को मिली। बात अगर जमशेदपुर लोकसभा सीट की करें तो जिस प्रकार से भाजपा को लोगों का समर्थन मिला, उससे साफ जाहिर होता है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर का प्रभाव काफी रहा। जिन्होंने प्यार वोट को हमें विश्वास करके दिया, इसके साथ मेरा जितना भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उच्च नेतृत्व ने जो आस्था लगाई थी, इसमें हम भारी मत से जीतेंगे और उस आस्था को हम लोग कायम रखने में सफल रहे। तो आम जनता का प्यारे था जो इतने भारी मतों से हम लोग जमशेदपुर सीट जीते। विद्युत दल बिहार में लालू किंग मेकर, बहुत दबाने से डायलॉग ये सुनते आ रहे हैं। झारखंड में अर्जुन मुंडा एज ए किंग मेकर, आप मानते हैं अर्जुन मुंडा की क्या भूमिका रही आपके चुनाव में? मुंडा जी काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको ईद गिर्द जो है अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे, जैसे यही कह दीजिए हमारे सुरजू राय जी हैं, बड़े भाई रघुवर दास जी हैं, और जो रविंद्र राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश दिनेश चंद्र गोस्वामी जी हैं, तो वो क्या है ना, सभी को मिल के एक राय लेके आगे चलते हैं। तो जब आप 10 आदमी का राय लेके आप आगे बढ़िएगा तो किसी चीज़ में फेल नहीं करिएगा, सफल होगा। और यही एक मूल कारण है कि सारे लोग को समेट के चलने से ही इस सफलता को हासिल किया। कोल्हान का सीट, जमशेदपुर और पश्चिम चाईबासा सिंहभूम का सीट अर्जुन मुंडा के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। वही जमीन पर मेहनत करता है, वही लड़ता है बूथ पर, वही जीत हासिल कर रहा था, आम जनता को ला के वोटिंग भी वही, आने वाला पीढ़ी के लिए घातक हो रहा था। तो एक ऐसा देश परिवर्तन चाह रहा था कि ऐसा आदमी आए, ऐसे लोग आए जो कि देश को बचाए और जो महंगाई है इसको अंकुश लगा, भ्रष्टाचार को खत्म। और इसमें जो है मोदी जी 100% खड़े उतरे थे। पिछले दस साल में उन्होंने जो खाका विकास का मॉडल को देश के जनमानस के सामने गुजरात के रूप पर लाए, और नॉट सिर्फ इन भारतवर्ष में बल्कि विदेश में इसको सराहा। अमेरिका जैसा देश जो कभी उनको जो है वीज़ा देने में के लिए अटपटा सा बात करता था, आज उनको निमंत्रण देते हैं कि भाई किस तरह विकास कर रहे हैं, हमें भी टिप्स दीजिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
भाजपा के नेता ही इसे अप्रत्याशित मान रहे हैं। इस चुनाव में जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत बढ़ा था, इससे बीजेपी अपनी जीत के प्रति जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, जो मतगणना के पश्चात सच साबित हुआ। इस संबंध में रघुवर दास ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, भाजपा के साथ ही जनता की जीत है। जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार कुशासन के खिलाफ जनादेश दिया है। श्री दास ने स्वीकार किया है कि इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों को भी लोगों ने नकार दिया है। इसके पीछे एक ही कारण है कि जनता भ्रष्टाचार और साफ सुथरी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखना चाहती है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने माना है कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति अपना आस्था व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव के परिणाम अब तक के कांग्रेस के सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। मतगणना का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होने पर जमशेदपुर के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर अमिताभ कौशल ने विजेता भाजपा प्रत्याशी विद्युत परायण महतो को औपचारिक रूप से सर्टिफिकेट प्रदान कर उनकी जीत की घोषणा की। चलिए आइए। भारत माता की, भारत माता की। नौ जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मैं डॉक्टर अमिताभ कौशल, रिटर्निंग ऑफिसर, लोकसभा के साधारण निर्वाचन का परिणाम घोषित करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए गए हैं। साधारण निर्वाचन में नौ जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र द्वारा लोकसभा के सदस्य संयुक्त रूप से निर्वाचित हो गए। और उधर जमशेदपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे झामुमो के प्रत्याशी तथा जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तथा भाजपा के उम्मीदवार विद्युत परायण महतो से 99,874 मतों से हारने के बाद मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर अजय कुमार ने बताया है कि पिछले 2.5 वर्षों से पूरे जोशो खरोश के साथ जमशेदपुर की जनता की मैंने सेवा की, परंतु शायद कोई कमी रह गई होगी, इस कारण से हमारी हार हुई है। इन्होंने बताया है कि जनता ने जितना मौका दिया था उतने दिन मैंने उनकी सेवा की। वहीं उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार तथा जमशेदपुर लोकसभा सीट के विजेता विद्युत वरण महतो को अपने तरफ से जीत की बधाई भी दी। वहीं उन्होंने आगे की राजनीतिक जीवन पर कहा है कि वो विधानसभा में नहीं जाएंगे तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी और जनता की सेवा करेंगे। सभी बस्ती 4-4, 5-5 बार होंगे, कम से मुझे लगता है कि 15-20 लाख का सेवा किया होगा व्यक्तिगत रूप से। उसके बावजूद अगर नहीं हुआ था तो हमें कोई कमी होगी, पर हमने ज़्यादा तो सोचा नहीं है। लेकिन बाबूलाल जी के साथ मिल बात करके किस तरह से JVM कम सेवा कर पाएंगे, और क्या राजनीति किस तरह से करेंगे उस पर तो हमने सोचा भी नहीं, क्योंकि हम तो पेशेवर पॉलिटिशियन तो नहीं। लेकिन उस लहर पर अगर हम रोक नहीं पाए तो हमें कमी होगी जरूर,
और हम उस बात को अभी तो उतने गहराई से समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं दिल से यही सबसे कहना चाहूँगा कि पूरे जनता को कि ढाई साल के समय में हमने कोई कसर, कम से कम व्यक्तिगत रूप से हमको नहीं लगता है कि हमने कोई कसर छोड़ा। तो सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी कार्यकर्ता को और सभी लोग जनता जो भी समर्थन दिया, जरूर कुछ कमी रही पर एक चीज़ हम जरूर हम वही हम चर्चा कर रहे थे कि ढाई साल में हमने जितना हमारे शरीर में शक्ति था, दिमाग में क्षमता थी, हमने लगाया। अब उसके अनुकूल अगर परिणाम आए तो हमको सिर्फ उसी बात की चिंता था कि हम और क्या कर सकते। तो बट मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि खास तौर से JVM के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हो, एक चीज़ में ये रिजल्ट खराब आने के बावजूद भी देखिए जिस तरह से लोग हार को लेते वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की ओर से नमस्कार।